एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको बताऊं कि सबसे इजी मेथड कौन सा है पोर्ट्रेट ड्राइंग करने का। सबसे इजी मेथड कोई भी नहीं होता है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं इजी मेथड शेयर करूं पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए। इजीएस्ट मेथड कौन सा है पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, शेडिंग कैसे करनी होती है, आउटलाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत से मैसेजेस आए थे, क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बट शायद आप लोगों को इतना डाउट क्लियर हुआ नहीं है उसमें। और मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ ग्रिड मैथड, ठीक है। कोई भी मैथड सब ईजी नहीं होता है और ग्रिड मैथड मुझे सबसे ईजीएस्ट लगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ग्रिड्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। जैसे मैथ्स की नोटबुक पे होते थे ना बॉक्सेस आते थे 1, 2, 3 लिखने के लिए, तो वैसे ही बॉक्सेस ड्रॉ करने होते हैं। फिर अपने रेफरेंस इमेज पे भी वैसे ही ग्रिड्स ड्रॉ करते हैं, कौन सी डिटेल किस बॉक्स पे आ रही है तो उस पे हम फिर ड्रॉ करते हैं। और ईजीएस्ट मैथड कोई भी नहीं है पोर्ट्रेट ड्रॉइंग करने का क्योंकि सभी में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं होने देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा अपने काम पे। और अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाओगे तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। जितनी आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी ही आपकी अच्छी ड्राइंग भी बनेगी, इतना अच्छा आपका पोर्ट्रेट बनेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी और वीडियो को मैं इसीलिए दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूं। और मैं आपको बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग इसी मेथड पे स्टक रहो। ठीक है, कभी कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बना सकते हो, अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, कमीशन वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ग्रिड मेथड का यूज़ करो। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी हो जाएगी। हमारी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। रियल्स में आपको बता देती हूँ क्या क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले ये A3 साइज़ की आइवरी शीट यूज़ कर रही हूँ और ये स्मूथ शीट है और काफ़ी थिक है। GSM कितना है इसका मुझे नहीं पता। और मेकअप ब्रश इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं ब्लेंडिंग के लिए। आप चाहो तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स, टिश्यू पेपर, कॉटन बर्ड, इन सब का भी यूज़ कर सकते हो और मैं उनका भी यूज़ करूँगी इसमें। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। कैमलिन की ग्रेफाइट पेंसिल्स का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ और कहीं पे अगर डार्क वाली चाहिए हुई ब्लैक तो उसके लिए हम पेन को यूज़ करेंगे। हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए वाइट जेल पेन, वाइट पेंसिल, वाइटनर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर है, मैं इसको यूज़ करूँगी। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ग्रिड मेथड को ड्रॉ कैसे करते हैं उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ग्रिड्स ड्रॉ करने के बाद वैसे ही सेम ग्रिड्स हम अपने रेफरेंस इमेज पे भी ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो आप नंबरिंग भी दे सकते हो, इससे आपको आसानी रहेगी डिटेल्स को ऐड करने में अपने पेपर पे। बेसिक आउटलाइंस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ H पेंसिल। आपके पास जो भी लाइट शेड की पेंसिल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आउटलाइंस को ड्रॉ करते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर से लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से लाइंस को ड्रॉ करोगे तो अगर वो वहाँ पे कहीं पे मिस्टेक होगी आप उसको इरेज करोगे तो वो पीछे मार्क्स छोड़ देती है जो कि बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए आप लाइट शेड की पेंसिल का यूज़ करो, लाइट प्रेशर से अपनी आउटलाइंस को ड्रॉ करो। रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने अपने आईब्रो के हेयर्स को डायरेक्शन देनी है। जैसे रेफरेंस में हेयर की डायरेक्शंस है वैसे ही आप अपने पेपर पे भी आईब्रोज के हेयर्स की डायरेक्शन दे दो। और शेडिंग स्टार्टिंग में मत करना, शेडिंग हम बाद में करेंगे। ज़्यादा हार्श लाइन का यूज़ कहीं भी मत करना क्योंकि किसी भी ह्यूमन के फेस पे एग्जैक्ट हार्श लाइन्स नहीं होती हैं जैसे कार्टून कैरेक्टर्स में हम देखते हैं, तो हार्श लाइन्स को अवॉइड करो। जो मैं डिटेल्स ऐड कर रही हूँ ये कोई रिंकल्स नहीं है, कोई हार्श लाइन्स नहीं है, यहाँ पे शेडिंग आएगी, ये शेडिंग का पार्ट है इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। और अब हम ड्रॉ करेंगे फोरहेड को और फेस की आउटलाइंस को। इस वीडियो में मैं बस आपको फेस की आउटलाइंस ही बताऊंगी कि कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर्स ड्रॉ करना बताऊंगी। आपको बस अपने रेफरेंस इमेज को फॉलो करना है, जैसे रेफरेंस इमेज में डिटेल्स हैं वैसे ही आपको अपने पेपर पे उनको ड्रॉ करना है। इस वीडियो में मैं बस फेस की आउटलाइंस ही बताऊंगी बेसिक वाली की कैसे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर को कैसे ड्रॉ करते हैं, हेयर की शेडिंग्स कैसे करते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। टेक केयर, बाय।